सो एम ई पी का चार्ट के सेक्शन में देख रहा हूँ और मैं पर्सनली भी स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि पंद्रह रुपये के आसपास यहाँ पर कुछ लोगों ने बाइंग किया हुआ है कंपनी ने पैसा रेज किया हुआ है फ़ंड रेजिंग किया हुआ है पंद्रह रुपये के आसपास ठीक है तो अभी वो लोग बेवकूफ़ तो है नहीं कि यहाँ पर पंद्रह रुपये के आसपास बाई कर रहे हैं ठीक है ठीके? और कंपनी का डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी आप लोग देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है लास्ट एक डेढ़ साल के अंदर काफ़ी डेट रिपेमेंट कर दिया है करेक्ट और फंड राइजिंग जो किया है उसका भी यूज़ वो डेट रिड्यूस करने में ही कर रहा है प्लस एन मतलब और गवर्नमेंट की ओर से भी उसका कोई फाइट चल रहा है तो अगर उसका चुकादा भी आ जाता है तो और सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड करोड़ हाँ, कंपनी को मिलने वाले हैं करेक्ट एन में केस चल रहा है और कंपनी का वैल्यूएशन करीबन पूरी कंपनी आई थिंक टू हंड्रेड करोड़ के आसपास ही इतने ही मार्केट कैप है उसका सो so, पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं और पंद्रह रुपये के प्रेफरेंशियल शेयर पंद्रह रुपये प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए हैं तो वो लोग बेवकूफ़ तो है नहीं कि पंद्रह रुपये पे पैसा लगा रहे हैं बट प्रॉब्लम क्या है उन लोगों में और आप में आप डेली बेसिस पे ट्रैक करते हो करेक्ट वो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं बस ये डिफरेंस है और वो लोग बहुत बड़े अमाउंट में पैसे लगाते हैं और आप छोटे अमाउंट में पैसे लगाते हो तो ये सब डिफरेंस है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में करेक्ट तो आई थिंक फंडामेंटल्स थोड़े चेंज हो रहे हैं ये कंपनी के तो मैं इतना कुछ क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी कुछ ट्रैक कर रहा हूँ इसीलिए मुझे पता है इस स्टॉक के अगर मैं बात करता हूँ तो चौदह रुपये के ऊपर जैसे ही निकलना स्टार्ट करता है हमें बहुत ही बढ़िया सा मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और इस स्टॉक के अंदर अगर ट्रेडिंग पर्स्पेक्टिव पोजिशन आपको बनानी भी है सो ट्वेल्व जो करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पर ही बाय कर लेना है आपको 100 परसेंट क्वान्टिट्टी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर तो आप जरूर से बाय कर सकते हो और अनदर मतलब देखो यहाँ पर एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट क्वान्टिट्टी आप बाय कर लो अगर थोड़ा लोअर लेवल भी देखने को मिलता है तो एलेवन रुपीज़ के आसपास अनदर इलेवेन रुपीज़ के आसपास अनदर थर्टी परसेंट क्वान्टिट्टी बाई कीजिएगा चांसेस आर वेरी लो कि ये लेवल पे शायद आपको ना ना बाइंग मतलब ये लेवल पे स्टॉक नहीं आएगा ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है और दस रुपये का एक क्लोजिंग बेजिस के ऊपर एक ट्रेल स्टॉप लस लगा लो और इस स्टॉक के अंदर किसी को भी काम करना है आप जरूर से काम कर सकते हो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कंपनी का टर्न अराउंड होने वाला है और ये सब होने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े टाइम के बाद यही वीडियो में आपको बताऊँगा तो जरूर से आप लोग देखिएगा कि किस तरह से क्या बेनिफिट होता है एक व्यू से ठीक है जिस तरह से बताया है काम जरूर से एक बार कीजिएगा